पहली बात तो ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश को देखें, और दूसरी बात ये है कि ये सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं है, ये सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचे में अगर एक पार्टी भी गड़बड़ काम करता है तो मैं तो कहूँगा कि जो भी देशभक्त होगा वो कभी भी इस घटना का समर्थन नहीं करेगा। इस घटना से, राजनीति से दूर हटकर और इस घटना की गंभीरता को लेने की ज़रूरत है, और जो इस घटना को गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री आते रहे, तो ये सरकारें अगर ऐसा सोचना शुरू कर देगी तो ये तो मुझे लगता है कि फिर सरकार या मुख्यमंत्री के बोल नहीं है, ये तो किसी नासमझ या किसी बचकाने बोल हैं। और एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार की गंभीर घटनाओं में कितनी गंभीर होना चाहिए, ये जरा एक अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस प्रकार की छोटी बात करते हैं तो ये प्रश्न चिन्ह लगता है। उनकी राष्ट्रीय नेता तो ये क्या सोनिया गांधी से बड़े हो गए? दिखावा नहीं, जो कुछ पूरा देश देख रहा है। मैं भी आज 40 सालों से राजनीति में हूँ, 40 सालों में हमने भी 6 प्रधानमंत्री देखे हैं, परंतु कभी ऐसी घटना नहीं हुई। क्या प्रधानमंत्री की जान की सुरक्षा करने की बजाय और हम अपने गाल बजाना शुरू करें? अगर वहाँ के डीजीपी, अगर अधिकारी डीजीपी नहीं है, सीएस नहीं है, मुख्यमंत्री जी टच में नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक क्या होगा? और कोई मुख्यमंत्री जिसके ऊपर में पूरे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो इस प्रकार की बचकाना बात करे तो ये दुर्भाग्यजनक है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।